हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद कर रहा हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे आवाज आ रही है मेरी बहुत तेज आ रही है सर आवाज़ ही आवाज आ रही है <laughs> कैसे हैं आप लोग गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोल दिया क्या मैंने हाँ गुड आफ्टरनून तेजस्वी गुड आफ्टरनून लवली कृतन्या गुड आफ्टरनून संजू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून रुंजुन गुड आफ्टरनून मोनिका स्नेहप्रीत सुरभि अर्शन धावा मिनी मोनिका सबका स्वागत है यार ठीक है आप सबका स्वागत है मिस्टर भीमराव राज आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी वन जीरो वन ठीक है कोशिश है दोस्तों इसको एक नंबर वन प्लेटफॉर्म बनाने की यूपीएससी के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए आपका बेस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म बनाने का इसमें प्रयास है और इसमें हम लगे हुए हैं इसमें हम जुटे हुए हैं दोस्तों बस आपका साथ जो है वो चाहिए ठीक है आपका साथ जो है वो चाहिए थकना नहीं है और हारना नहीं है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थक गए हैं हार गए हैं ठीक है वो काम देखो जब फेलियर की शुरुआत कहाँ से होती है जब आप डिसकंटिन्यूटी को ब्रेक करते हो है ना अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बैक स्टेट पर आ गए हैं बैक स्टीट पर क्यों आ गए हैं क्योंकि अब उनको लगने लगे यार एक, अरे यार रो तो रोज रोज हो रहा है चलो बाद में करेंगे जिस दिन से आप ये सोचने लगते हो ना कि ये काम बाद में करेंगे तो समझ लो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आप पीछे हो चुके हो कभी भी मत करो यार ठीक है कभी भी मत करो मुझे पता है मेंटल जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा अभी मुझे पता है कि डेली काम करने के लिए अभी आपको उठना पड़ रहा होगा डेली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही होगी बट सोच के देखो सोच के देखो अगर ये आपने दो महीने कर लिया ठीक है तो एक तो आप क्या होंगे और एक वो बच्चा जो टाल रहा है अरे आज का कल देखेंगे अरे नहीं नहीं कल का बाद, बाद में देखेंगे यार अभी नहीं यार अभी तो आज तो बहुत थका हुआ

ठीक है बाकी आप लोग सब समझदार हैं सब लोग ज्ञानी हैं है ना आपको पता है सारी चीजों के बारे में तो मैं चाहूंगा एक बार आप सारे बच्चे जो है लाइक करें वीडियो को और एक बार शेयर कर दे सो दैट एवरीबडी कैन कमेंट ज्वाइन द सेशन आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों हम रेड डेटा लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं दिस इज द लेक्चर नंबर फोर इन द गुरुकुल सीरीज गुरुकुल की सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर चार है बाकी आपको टाइम मिलेगा देखो सैटरडे संडे ना हम आपको टाइम देंगे ताकि जो लेक्चर्स आपके बचे हुए हैं या जो पीछे किए हैं आपने आप उनके प्रॉपर नोट्स बना सको उनको प्रॉपर मैनेज कर सको ठीक है उस चीज के साथ पॉपअप कर सको तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर टाइम स्लोट जो है वहां पर दिया है सो so, हम बात कर रहे हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आज जो बात करेंगे दोस्तों हम बात करेंगे आई यू सी एन के बारे में और इसकी रेड डेटा बुक के बारे में प्यारे बच्चों के आपको पता है कल मैंने आपको पढ़ाया था बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को हम कितने लेवल पे काउंट करते हैं उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट क्या क्या है खतरे क्या क्या हैं फिर हमने बताया कि भाई जो खतरे हैं मैन मेड हैं सी बात है मानव के द्वारा हो रहे हैं और नेचुरल है उसकी कैटेगरी बताई फिर मैंने बताया कि चलो ठीक है बायोडाइवर्सिटी को खतरे हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट भी तो कर रहे हैं कंजर्वेशन मैंने बताया इन सी टू एक्सी तू दोनों के मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखे Okay. आज का जो लेक्चर है वो बात करेगा दोस्तों उन खतरों के बारे में जैसे मैंने कल बताया कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरे हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उस लॉस को मापने के लिए भी हमारे पास कुछ एक प्रोसेस होती है उस लॉस को मापने के लिए एक संस्था है उस संस्था का नाम है आई और वो संस्था ना एक बुक छापती है एक किताब लिखती है उसके अंदर सबका डेटा होता है हर स्पीसीज का डेटा होता है और हम आपको बता दू दो दोस्तों आज अगर हम बात करें तो दुनिया इस इस किताब में जितने स्पीसीज का डेटा है ना वो धरती पर स्थित केवल और केवल उनतीस स्पीसीज हैं और उनमें से भी बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो क्या हैं खतरे में तो सोचो सिर्फ ट्वेंटी नाइन स्पीसीज का इस किताब में डेटा है बाकी बच गई वो कितनी है और उनका कितना हम उसको तबाह किए जा रहे हैं इनके निवास को हम नष्ट किए जा रहे हैं दोस्तों दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव हियर और उसी की वजह से दोस्तों बहुत सारे स्पीसीज है हमारे वो क्या हो रहे हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आयुसीएन की आप मेरे साथ

आप चाहें तो अकेडमी ऐप पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहां पर जुड़ना है तो सुमित कुमार के नाम से मुझे फॉलो करेंगे उसके बाद कोई भी क्विज हो कोई भी स्पेशल क्लास हो या कोई भी प्लस कोर्स हो ठीक है मेरा प्लस कोर्स आने वाला अभी वर्ल्ड जोग्राफी का सो आप उसके लिए जुड़ सकते हैं कहां पर यहां पर सुमित टेन कोड का इस्तेमाल करके आप मेरा कोड यूज करेंगे सुमित टेन और आप जाके इसमें क्या कर सकते हैं एनरोल कर सकते हैं मोनिका जयसवाल गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट कह दो या रेड बुक कह दो कुछ भी कह दो ठीक है ये मतलब कुछ इसका लोगो है ठीक है ऐसा लोगो है आई का तो ये जो सी है दोस्तों इसका बेसिकली काम यही होता है कि भैया ये क्या करती है ये दुनिया भर के अंदर में जो जो स्पीसीज है ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है अब आप कहोगे सर आई के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है सारे इंस्टीट्यूशन ना हम अलग से पढ़ेंगे तो आई भी वहीं पढ़ाऊंगा यूएनई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी वहीं पर पढ़ाऊंगा ठीक है बट यहां पर जो है दोस्तों हम किसकी बात करेंगे हम आई की रेड बुक के बारे में बात करेंगे किताब क्या है तो किताब पहली बार 1964 में छपती है और इसको बनाया गया 1964 में लेकिन छपी जो है पब्लिश इस बुक को पहली बार कब किया गया 1966 में, 1966 में में इस किताब के अंदर में दोस्तों क्या किया गया हमने हमने कोशिश की है कि दुनिया भर के अंदर वो स्पीसीज जिनको खतरा है या वो स्पीसीज जो धीरे धीरे लुप्त तो हो रही हैं जिनको किसी भी प्रकार का खतरा है उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके सर डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना चाह रहे हैं हम देखो जब आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होगा आपको पता होगा तभी तो आप कुछ करोगे देखो जैसे कोरोना आया ठीक है कोरोना के अंदर में सरकार ने बताया कि भैया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ठीक है जिनका सरकार के पास डेटा ही नहीं था वो लोग बहुत प्रभावित हुए अब सरकार चाहती है कि उनको सहायता पहुंचाई जा सके है ना तो सरकार उन तक सहायता कैसे पहुंचाएगी सरकार के पास कोई माध्यम ही नहीं है उनसे जुड़ने का तो फिर सरकार ने एक पोर्टल बनाई जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल है ना इसी प्रकार से आप यह समझो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि स्पीसीज का लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा ना भाई उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये तो हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सबसे इवॉल्व स्पीसीज हैं इस दुनिया के और हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाकी स्पीसीज को क्या करें कंजर्व करें प्रोटेक्ट करें बाकी जो बायोडायवर्सिटी है उसको क्या करें हम अपना प्रोटेक्ट करें लेकिन ये करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास एक डेटा तो होना चाहिए ना और वही डेटा किस किताब में लिखा होता है दोस्तों इस रेड डेटा बुक के अंदर या रेड बुक के अंदर या इस रेड लिस्ट के अंदर होता है तो 1964 में इस किताब को इसी दृष्टिकोण से बनाने की कोशिश की गई और 1966 में इस किताब को पहली बार पब्लिश किया गया इस किताब में हर उस प्रजाति के बारे में लिखा हुआ है जो धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्तों एक्सटिंक्शन लुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं जिनकी संख्या पहले बहुत होती थी लेकिन आज वो क्या हो रही हैं दोस्तों लुप्त हो रही है इस किताब के अंदर हमने हर प्रजातियों को अलग अलग सूची में सूचीबद्ध किया है अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई है जैसे एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंडेंजर्ड ठीक है ये इस प्रकार से वर्नरेबल क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस प्रकार से हमने अलग अलग लिस्ट जो है यहाँ पे बनाई है और हर कैटेगरी का हमने के क्राइटेरिया सेट किया है जिसके आधार पर उस प्रजाति को हम उस क्राइटेरिया के अंदर में सेट करेंगे जैसे भारत के अंदर में अगर हम बात करें तो जो बंगाल टाइगर है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड आई मैं जब पढ़ाता हूं आपको तो हम जो कंजर्वेशन स्टेटस वगैरह से हम बताते हैं ना स्पीसीज का तो आई के अंदर में जो हमारा बंगाल टाइगर है इसका कंजर्वेशन स्टेटस है क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब क्रिटिकली है ठीक है वो क्राइटेरिया आपको क्या करना पड़ता है पास करना पड़ता है के पास करने के लिए आपको करनी पड़ती है, बहुत सारी होती है तो उसी के अनुरूप सारी चीजें यहां पर होंगी तो वो डेटा जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले तो ये जो है, दोस्तों, इसके अंदर में हर उस प्रजाति का चाहे वो प्लांट की प्रजाति हो चाहे वो एनिमल की प्रजाति हो चाहे वो माइक्रोब्स

ये जो बुक है मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है इसमें क्रिएट किसके द्वारा की जाती है आई तो करता है लेकिन आयु के अंदर में भी कौन सा विभाग है तो IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है ठीक है क्या नाम है इसका IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन नोट कर लेना इस बात को दोस्तों IUCN के अंदर में जो रेड डेटा बुक है इसको कौन प्रकाशित करता है तो आपको अपने नोट्स में लिख लेना है इसको कि IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ये इस रिपोर्ट को क्या करता है दोस्तों ये इस बुक को क्या करता है पब्लिश करता है यह बात समझ में आ रही है आपको दोस्तों कविता मैं अगर नाराज हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो पढ़ाई कर लो ठीक है ये बाद में कर लेना ये ठीक है यारी दोस्ती यहां से बाद में बना लेना आप अपना टेलीग्राम आईडिया व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें ठीक है भाई करता हूँ ठीक है मैं आपके घर आ जाता हूँ अरे टेलीग्राम आईडी इसमें लिखी होती है देखो कमेंट बॉक्स में देखोगे तब तुम्हें मिल जाएगी ना यार एक बार चेक तो करो कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में जब चेक करोगे ना तो मिल जाएगी वहां से ठीक है एक बार कमेंट बॉक्स तो चेक करो यार अच्छा एक बार वीडियो लाइक कर दो यार जिन्होंने लाइक कर दिया थैंक यू जिन्होंने नहीं किया महाराज एक बार लाइक कर दो यार ठीक है देखो जितने देख रहे हैं उनसे भी कम लाइक है एक बार फटाफट से लाइक करो एक टारगेट रखते हैं सेवन हंड्रेड का ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों ठीक है टेलीग्राम में आ रखा है दोस्तों टेलीग्राम के अंदर देख लीजिए कविता और गलत टाइम पे ना दे आप दिखते ही ऐसे टाइम पे है देखो एक बात बताओ जब आप कोई काम बहुत अच्छा कर रहा है हर टाइम अच्छा काम करोगे तो जब मैं देखूंगा तब भी अच्छे काम में ही दिख, दिखोगे आप और जब आप मैक्सिमम टाइम गलत काम करोगे तो फिर दिखोगे भी मैक्सिम प्रॉबिलिटी किस में है गलत काम में ज़्यादा दिखने की है है ना क्या लगा रखा है ये मतलब घर बना रखा है इधर है ना फैमिली बना रखी है ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो डियर यही काम आएगा ठीक है अभी भी देखो समय है हर्ष वाली बात याद नहीं है अभी भी समय है पढ़ लो ठीक है इसके बाद में कुछ बचेगा नहीं मैं सच बता रहा हूँ सब चीजें मिल रही हैं ठीक है अच्छे से कोर्स चल रहा है फ्री में लोग लगे पड़े हैं तुम्हारे लिए अरे तुम अपने लिए नहीं कर सकते क्या तो ये बात होगी दोस्तों आई की रेड डेटा बुक की जो मैंने बताया एक सार्वजनिक दस्तावेज है दोस्तों इसके अंदर हम जो लुप्त प्राय प्रजा होती हैं जो दुर्लभ प्रजाति होती हैं जानवर कवक है बारे में हम एक क्या करते हैं दोस्तों एक एक डेटा बनाते हैं रेडा डेटा बुक का जो इस्तेमाल है हम अनुसंधान के लिए अध्ययन के लिए और ये दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों को निगरानी करने के लिए कि क्या चल रहा है स्टेटस क्या है इनके लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है इस पुस्तक में अगर हम बात करें दोस्तों तो उन सबकी जो है डेटा हम रखते हैं जिनको हम भविष्य में जो है बचाने वाले हैं जिनके लिए हम कुछ कुछ करने वाले हैं पहली बार इसको 1964 में जो है गठित किया और 1966 में इसको पब्लिश किया गया आयु के प्रजाति जीवन रक्षा आयोग के द्वारा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है बाकी तो नॉर्मल है ठीक है किसने आई के अंदर से कौन इसको पब्लिश करता है दैट इज द मेन थिंग अब इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन बना रखी है हमने यहां पर जीवो को ना इन अलग अलग कैटेगरीज में विभक्त किया हुआ है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली है मेरे पास एक्सटिंक्ट दूसरी है मेरे पास एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड तीसरी है मेरे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड चार नंबर पे आता है मेरे पास एंडेंजर्ड पांच नंबर पे आता है वलनरेबल छह नंबर पे आता है दोस्तों नियर थ्रेटन इसके बाद आता है लीस्ट कंसर्न उसके बाद आता है डेटा डेफिशियंट और उसके बाद आता है नॉट इवेल्युएटेड ठीक है so, सो कुल मिला के मित्रों मेरे पास इसके अंदर में नौ कैटेगरी है कितनी कैटेगरीज हैं दोस्तों वी हैव नाइन डिफरेंट कैटेगरीज इन दिस आई यू सी एन क्लासिफिकेशन नौ अलग अलग कैटेगरीज हैं इन नौ कैटेगरीज के अंदर जिन सबसे ज्यादा खतरा है ना दोस्तों ठीक है वो यहां से देखो इनका तो डेटा ही नहीं है अपने तो मतलब हमारे पास पर्याप्त डेटा इन सात का है ठीक है इन सात का हमारे पास डेटा भी है और इन सात को हमने इवेल्युएट भी किया है हमने इनके बारे में पता भी लगाया तो अगर आप देखोगे तो ये माइनस में लिख देता हूं मैं प्लस में इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ऊपर जाते हो दोस्तों तो इनके एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ रहा है ठीक है ऊपर जैसे जा रहे हो ना तो एक्सटिंक्शन का खतरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है दे दे आर आर मोर प्रोन टू द द एक्सटिंक्शन एंड लेस प्रोन टू एक्सटेंशन लीस्ट कंसर्न में एक्सटेंशन का खतरा कम है लुप्त होने का खतरा एक्सटिंक्शन का मतलब क्या लुप्त तो ये लीस्ट कंसर्न है मतलब अभी इनके बारे में सोचने की अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है फिर इसके बाद में नियर थ्रेटेंड आते हैं फिर आते हैं वल्नरेबल जिनको खतरा है दोस्तों लुप्त प्राय है लुप्त हो सकते हैं एंडेंजर्ड खतरा बहुत ज्यादा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड बहुत ज्यादा हो गया है

ठीक है ये इनकी कैटेगरी भी है ठीक है जैसे ये हो गया ये हो गया ये हो गया अच्छा इस किताब में दो प्रकार के पेज भी हैं जो डिस्कस किए जाते हैं एक पेज होता है पिंक पेज और एक पेज होता है दोस्तों ग्रीन पेज ठीक है ग्रीन पेज और पिंक पेज दो प्रकार के क्या हैं दोस्तों इसमें पेज हैं तो जो पिंक पेज होता है ना दोस्तों पिंक पेज के अंदर में हम उन प्रजातियों को दिखाते हैं जो एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है जिनके लुप्त होने के खतरे बढ़ रहे हैं और ग्रीन पेज में हम उन प्रजातियों को दिखाते हैं जो पहले कभी लुप्त होने वाली थी बट हमने कदम उठाए और उनको हमने कंजर्व कर लिया हमने उनको बचा लिया तो उनको फिर ग्रीन पेज में रखा जाता है समझ में आ रही बात पिंक का मतलब है जिनको खतरा है तो दो प्रकार के इस किताब में पेज पाए जाते हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछता भी है सो पिंक पेज और ग्रीन पेज पिंक पेज जो होता है इसके अंदर में लड़कियों वाला फेवरेट है पिंक ये पिंक जो है खतरे का निशान है है ना ये पिंक जो है कलर बहुत खतरे का निशान है वैसे इसी उम्र में खतरा होता है पिंक बाकी इससे अलावा ये खतरा नहीं होता ठीक है उसके बाद में तो खैर लाइफ सेट हो जाती है है ना और इससे पहले जो है आप इतनी उम्र में थे नहीं कि आप पे जिम्मेदारी आए बाहर आए लेकिन ये जो उम्र है ना ये अभी आप पे जिम्मेदारी की है तो पढ़ाई करो ठीक है अपने आप को कंसंट्रेट रखो ठीक है बाकियों को भी कंसनट्रेट करने दो तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ पिंक पेज जो होते हैं प्यारे बच्चों पिंक पेज के अंदर में वो प्रजातियां होती हैं जो लगातार खतरे की ओर बढ़ रही हैं और ग्रीन पेज के अंदर क्या होता है भाई वो प्रजाति जो पहले खतरे में थी लेकिन अब जो है खतरे से वो क्या कर चुके हैं बाहर आ चुकी हैं तो ये दो चीजें इसके अंदर में बताई जाती है तो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों अब एक एक को भी बताऊंगा जैसे एक्सटिंक्ट के बारे में पढ़ेंगे फिर इसके बारे में और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इनका क्राइटेरिया एग्जाम में वही आता है मैं बताऊंगा आपको तो सबसे पहले एक्सटिंग एक्सटिंक्ट प्रजातियां सर ये ये प्रजाति कौन सी होती है है देखो ये पूरा जो सिलेबस ना इसका इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है ठीक है मजा क्यों आने वाला है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं देखो दो तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं मजा कब ना आए क्योंकि अगर मैं पिक्चर हटा दू ना तो इसको देखने में क्योंकि मैं नाम लूंगा मैं तुम्हें बोलूंगा ठीक है मैमोथ के बारे में ठीक है मैं बोलूंगा तुम्हें वूली मैमोथ अब तुम्हें समझ में नहीं आया वूली मैमोत क्या है ये दिख रहा है ये वोली मैमोथ ठीक है मतलब इसके ऊपर ऐसे वूल ऊन के टाइप का और ये दिखा ऐसा रहा है तुम्हें जैसे हाथी हो ठीक है पिक्चरों में तुमने देखा होगा हॉलीवुड की पिक्चरों में एनिमेशन से इसको दिखाते हैं ठीक है दिस इज वूली तो जो ये वूली मैमोथ आपको दिख रहा है ना ये आज बचा नहीं है ठीक है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है धरती पर से लुप्त हो चुका है ठीक है तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल एक, एक दिया आपको ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हाथी से बिल्कुल मिलता है बट ये हाथी से कहीं बड़ा था ठीक है इसके दांत बहुत बड़े थे बहुत बड़े साइज का था लार्जेस्ट मैमल्स के अंदर में एक था ये आपका ठीक है जो हमारे स्तनधारी हैं धरती पे पाए जाते हैं ना उनमें सबसे बड़े में से ये एक था आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये धरती से चला गया एक्सटिंक्ट हो गया और इसके हमारे पास कंफर्म कन, प्रूफ है ठीक है अब आप कैसे कह सकते हो नहीं है भाई हमने ढूंढा होगा तो ढूंढा तो कहीं मिला ही नहीं ना तो जंगलों में मिला ना किसी ने इसको पाल रखा है कैप्टिव ब्रीडिंग ना चिड़िया घर के अंदर है ना बोटेनिकल मतलब कहीं पे भी नहीं है जुलॉजिकल जो हमारे पार्क होते हैं उनमें भी नहीं है और जंगल में भी नहीं है ना किसी घर में किसी ने पाल रखा है ऐसा हमने देखा नहीं तो जब हमने कंफर्म कर दिया कि इसके कोई एविडेंस नहीं है ठीक है तो ठीक है हमने मान लिया तो अ टैक्सोन इज सेट टू बी एक्सटिंक्ट वेन देर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड जब हमें इस बात से पूरा कंफर्म हो जाए कि इसका आखिरी जीव लुप्त हो चुका है मर चुका है तब हम उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट ये टैक्सोन वैक्सोन क्या होता है कल मेरे हिसाब से अभिषेक सर क्लास में पढ़ा रहे थे ठीक है उन्होंने बताया था कि एक जीव को ना आप सात अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सात या नौ कैटेगरीज में जाके विभाजित कर सकते हो देखो तुम्हारे लिए चीज कितनी मुश्किल है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मैं हर एक हर एक टीचर की क्लास देखता हूं मैं बारह बजे बैठता हूँ ठीक है क्लास करने और मैं सबकी क्लास देखता हूँ मेरी क्लास के टाइम पे भी मैं क्लास पढ़ा ही रहा हूँ बाकी सबकी भी मैं क्लास देखता हूँ ठीक है और मैं जब क्लास देखता हूं उसके बाद में अपना काम भी करता हूँ कंटेंट भी बनाता हूँ ठीक है मैं सारी चीज करता हूँ जब मेरे लिए आसान है ना चीज तो तुम्हारे लिए मुश्किल कैसे है मुझे नहीं पता तुम्हारा तो अभी मतलब आग लगनी चाहिए तुम्हारे अंदर से ठीक है देखो ये मोटिवेशन वोटिवेशन पढ़ाई ये वो सब ये ये सब बात आप ये समझ लो ये आपकी आपकी यार लाइफ का सवाल है ठीक है आप एक ऐसी नदी के पार बैठे हो इस पार रहे तो दुनिया आपको कोसेगी और उस पार अगर आप चले गए ना तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी बता रहा हूं मैं आपको इस स, इस बार तुम हो बेकार लेकिन उस बार हो तुम सबके रिश्तेदार ठीक है ये कैसी नदी के बीच में कैसी धारा के बीच इधर बैठे हो आप बस ये धारा आपने क्रॉस कर ली ना मैं सच बता रहा हूं आज तो तुम बेकार हो ठीक है अगर ये एग्जाम तुमने कर लिया तो तो तुम हो जाओगे सब तुम्हें रिश्तेदार बना लेंगे ठीक है सब रिश्तेदार बनाएंगे तुम्हें मतलब किसी भी तरीके से ठीक है मतलब ये होगा कि अरे एक दिन कमेंट बॉक्स में मैंने इसको कमेंट किया था ठीक है मतलब ऐसा भी होगा मैं आपको सच बता रहा हूँ अरे ये तो हमारे साथ था अरे ये तो मेरी मामा के चाचा की भूआ की पुपे के भतीजे के छोरे के बेटे की बहू है ठीक है मतलब ऐसे कुछ कुछ बातें मतलब इतनी लंबी लंबी रिश्तेदारी बनेंगे मैं सच बता रहा हूं और तुम नहीं कर पाए ना तो तुम मां बेकार आदमी रहोगे ठीक <laughs> है ये दुनिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना उखाड़ पाए तुम उनमें रहोगे वास्तव में कुछ करना है ना कुछ अलग अपनी पहचान बनानी है या तो इस भीड़ में रहना है तो ठीक है अब इस भीड़ से निकलना है तो उड़ जाए यार इस भीड़ से निकलना है ना तो उठ जा ठीक है और उठ के ना लग जा मैं सच बता रहा हूं क्योंकि तेरे अंदर जो हिम्मत है ना तेरे अंदर जो हिम्मत है ठीक है वो किसी के अंदर नहीं है बस तू अपने आप को जगा तो सही ठीक है तू अपने आप को खोज तो सही तू अपने आप को ढूंढ तो सही और ये तैयारी ना ये जो लड़ाई है ना तुम्हारी तुमसे है भाई जिस दिन तुमने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली ना उसके बाद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अब तुम ही हो ठीक है कोई नहीं है सब तुम्हारे जो है बाद के दुश्मन है सबसे बड़ा दुश्मन है तुम ठीक है क्योंकि आज तुमने अगर एक लेक्चर किया और कल तुम नहीं करते हो तो तुमने ही अपने साथ में क्या कर ली गद्दारी कर ली है तो याद रखो दोस्तों तुम सबसे बड़े दुश्मन तुम ही हो मंडे टू फ्राइडे क्लास करके सैटरडे संडे आपको टाइम दिया गया ताकि आप उसके अंदर जो बच गया नोट्स बनाना हो गया रिवाइज करना हो गया वो कर सको ठीक है मंडे से फिर से जो उसके साथ लग जाएंगे हम है ना तो कितना बढ़िया ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने काम बनाया था सोचा था और मैं सैटरडे संडे में भी आपके लिए मोटिवेशनल लेक्चर प्लान कर रहा हूं ठीक है अभी जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए करने वाले हैं तो कई आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ क्या रहना पड़ेगा रेगुलर पॉजिटिव और मैं तो कहता हूं साथ नहीं, अपने साथ थोड़ा ईमानदारी से रहो ठीक है अपने साथ ईमानदारी से रखो तुमसे अच्छा तुम्हें कोई ना जानता तुम अपने साथ धोखा मत करो कमेंट बॉक्स में मान लो तुम चल रहे हो कुछ कुछ खेल खेल रहे हो तो बेकार है सो so, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि किसी भी टैक्सोन को कोई भी ऐसा टैक्सोन कोई भी ऐसा जीव कोई भी ऐसी प्रजाति उसका आखिरी इंडिविजुअल अगर मर गया तो हम कह देंगे कि ये तो एक्सटिंक्ट हो चुका है जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया ये भूली जो है दोस्तों ये अभी नहीं है ये धरती पर है ही नहीं क्योंकि हमने देखा है जाके ना तो चिड़ियाघर में दिखता है कहीं पे ना ये जंगलों में मिला हमें ना ही किसी ने अपने घर में पाल रखा अगर तुमने किसी ने पाल रखा है तो बता दो ठीक है मेरे को तुमने किसी ने पाल रखा है इसको तो बता दो भाई ठीक है बता दो मैं इनको बता दूंगा कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है भाई एक्सटिंक्ट हो गया है ठीक है समझ में आ रही बात करंट अफेयर के लिए सुनो मेरी बात मैं आपको तुम्हें एक बात बताता हूं करंट अफेयर के लिए ठीक है एक नया अपन प्रोग्राम वहां पे भी ला रहे हैं गुरुकुल डेली तो गुरुकुल डेली का टाइम टेबल आ जाएगा और उसका नए टाइम टेबल से करंट को मुझे भी पता है तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है ठीक है मेरी वजह से कई सारे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं ठीक है, है? बट मैं उसको फिक्स कर रहा हूं और एक नए टीचर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ठीक है बहुत जल्दी कल हम उनको चैनल पे लेके आएंगे तो मेरे को यार बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती है और सब मुझे प्लान मुझे बनाना पड़ता है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना फंस जाता हूं बस आपके साथ की मुझे जरूरत होती है थोड़े दिन रुको मैं सब फिक्स कर दूंगा यार इसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड सब सबसे पहले क्या था दोस्तों हमारे पास ये था एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट के बाद आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या है कि जंगल में नहीं है ये पक्की बात है ठीक है किसी ने घर में पाल रखा होगा तो अलग बात है हो सकता है चिड़ियाघर के अंदर हो हो सकता है इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग हो रखी हो है ना आजकल हम ऐसा करते भी तो हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो तो हमने नॉर्दर्न रिवर टेरपाइन के बारे में बात की थी हमारे करंट अफेयर के सेशन में

बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग तो याद रखना दोस्तों एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वाइल्ड का मतलब है जंगल में तो है नहीं बाकी हाँ बचे हुए हैं इनके आखिरी इंडिविजुअल अभी मरे नहीं है या तो हम इनके कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं या हम इनको किसी चिड़िया घर के अंदर में भी देख सकते हैं या कोई ना कोई ऐसा प्रबंध हमने इनके लिए किया हुआ है कि ये जो है स्पीसीज जो है वो मरे ना लुप्त ना हो जैसे ये मेंढक है ठीक है दिख रहा है आपको दोस्तों ठीक है बड़ा गंदा सा दिख रहा है मेरे को तो बाकी हाँ ये जो है ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो चुका है अब जंगल में आपको ये दिखेगा नहीं लेकिन हाँ इसकी हम कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं ठीक है इसको अभी भी हमने रखा हुआ है और हम सारी चीजों को इसके साथ में प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं अ टेक्सोन इज एक्सटिंक इन द वाइल्ड इट इज नॉन ओनली इन द सर्वाइव इन द कल्टिवेशन है ना कल्टीवेशन मान लो कोई स्पीसीज की भी अब कल्टीवेशन का मतलब खेती होता है लेकिन इसमें खेती थोड़ी ना करेंगे मेढा की खेती हो रही है नहीं भाई लेकिन हाँ अगर उसको पाल रहे हैं किसी कैप्टिव कल्टीवेशन के अंदर में हम इनको पाल रहे हैं कोई एक दो जीव बचे हुए हैं तो हम कहेंगे कि भाई जंगल में तो है नहीं लेकिन हाँ कुछ जीव इनके बचे हुए हैं तो इसमें कोई ज्यादा याद करने का नहीं है क्वेश्चन नहीं आने वाला है यहाँ से जो सवाल आता है आपका वो यहाँ से शुरू होता है ठीक है सवाल जो आपके बनेंगे वो यहाँ से शुरू होंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे भारत के अंदर अगर हम बात करें तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो कोई है ही नहीं ठीक है इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात हो तो टाइगर से अच्छा एग्जाम्पल तो कुछ है ही नहीं शेर से अच्छा तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं वो कौन से होते हैं ये वो कैटेगरी होती है जिनको हाइएस्ट रिस्क है भाई सबसे ज्यादा खतरा है अगर आप इनको नहीं संभाल पाए अभी तो भविष्य के अंदर में और भविष्य के अंदर में भी ज्यादा टाइम नहीं पकड़ेंगे ठीक है तीन चार साल के अंदर में धरती से खत्म हो जाएंगे जैसा हमारे टाइगर के साथ हुआ था दो हजार के अंदर लिखा होता था ना ओनली चौदह टाइगर आर लेफ्ट लेकिन आज हमने इसके लिए कंजर्वेशन के लिए काम किया ठीक है हमने टाइगर्स जो हैबिटेट है उनको रिस्टोर किया कोशिश की जो टाइगर प्रे है उनको हम जो है उनकी जगह पे स्थापित कर पाए और वो सारा पूरा हैबिटेट मैनेजमेंट करके दोस्तों हमने इसको दोबारा से क्या कर दिया देखो यार एक बात सुनो मेरी बात किसी भी इकोसिस्टम में से किसी भी जगह से अगर कोई स्पीसीज लुप्त होती है तो उसका मतलब है उस इको में कहीं ना कहीं गड़बड़ है ये जो लोग होते हैं ना टॉप प्रिडेटर है टॉप प्रिडेटर का मतलब क्या होता है फूड चेन के अंदर ना सबसे ऊपर है फूड पिरामिड के अंदर ही सबसे ऊपर बैठते हैं सब बताऊंगा जब इकोलॉजी पढ़ाऊंगा अगर इनका संख्या कम हो रहा है तो उसका पक्का पक्के से पक्का मतलब क्या है दोस्तों कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है पूरे फूड सिस्टम के अंदर पूरे फूड पिरामिड के अंदर पूरी फूड वेब के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो इसीलिए हमने इसको आइडेंटिफाई किया इस प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करके हमने इनकी संख्या को क्या किया दोबारा से रिस्टोर किया है प्रोजेक्ट टाइगर हमने चलाया इनकी कंजर्वेशन के लिए ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर फिर हमने टाइगर नेशन जो पार्क है वो देश के अंदर में वो डिक्लेयर किए तो उसके मिला के कुल के आज हमने इसकी संख्या को काफी हद तक क्या कर दिया रिस्टोर कर दिया दुनिया भर के अंदर बहुत सारी अलायंस होती है ग्लोबल टाइगर अलायंस अलायंस वो अलायंस तो हमने बहुत सारे कदम उठाए और उन कदम के फलस्वरूप दोस्तों

अगर आप किस कैटेगरी में किसी जीव को रख रहे हो तो उसके लिए कुछ species, अच्छा आप नोपी, आपने जो कॉपी है, वो निकाल लो क्योंकि ये जो चीज बताने वाला दिस इज़ मोस्ट सवाल अगर बनता है तो यहीं से बनता है ये जो क्राइटेरिया है ना इसका ये जो क्राइटेरिया है, किसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड का सवाल बनेगा तो सारे बच्चों कॉपी निकाल लो यार अपनी कॉपी निकाल लो भाई फटाफट से ठीक है कॉपी निकाल लो स्टार मार्क लगा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कब आप कहोगे कि कोई जीव क्रिटिकली एक्सटेंड एंडेंजर्ड है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन इन द पॉपुलेशन मोर देन नाइनटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो गई हो ओवर द लास्ट टेन ईयर याद रखना है अगर ज्यादातर जनसंख्या मतलब 90 प्रतिशत जनसंख्या उसकी पिछले 10 साल के अंदर में लुप्त हुई है पॉपुलेशन दस साल में क्या हो गई है लुप्त हो गई या 90 नाइन 90 से ज्यादा अगर सर हो तो फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं कहेंगे भाई फिर उसको कुछ और कहेंगे लेकिन हाँ अगर 90 से ज्यादा जनसंख्या उसकी पिछले 10 साल में खत्म हो गई हो क्योंकि रीजन हो सकता है तो उसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड में हम रखेंगे ठीक है जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना कोयला कोया कोयाल क्या नाम था उसका यार ठीक है कोया कोयाला करके था क्या था क्या यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा जो के सफेदे के पत्ते खा के जिंदा रहता है अरे आग नॉर्दर्न समर अभी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर लगी थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा मर गए थे वो तो अभी उनको एंडेंजर्ड किया गया था है ना तो इनके लिए ये देखा जाता है कि हम किसी को एंडेंजर्ड करें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तो पहला क्राइटेरिया क्या है दोस्तों क्राइटेरिया पहला यह है प्यारे बच्चों कि कम से कम भाई उनकी जो पिछले दस साल के अंदर जनसंख्या कितनी परसेंट रिड्यूस हो गई हो नब्बे परसेंट उनकी जनसंख्या रिड्यूस हो गई हो पहली बार दूसरा पॉपुलेशन का साइज अ नंबर लेस देन फिफ्टी मेच्योर इंडिविजुअल दूसरा हम साइज के हिसाब से ये तो जनसंख्या के घटने के हिसाब से निकाला कि मान लो पिछले अगर दस साल में उनकी पॉपुलेशन नाइनटी से ज्यादा रिड्यूस हो गई है तो वो एक्सटिंक्ट जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा या मान के चलते

जो है घटी हो उसकी दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसके पास 50 मेच्योर इंडिविजुअल बचे हो ठीक है 50 फिफ्टी मेच्योर इंडिविजुअल तीसरा जो है क्वानिटिव एनालिसिस और यह संभावना हो कि अगले 10 साल के अंदर जो जंगल में वो जीव रह रहा है वो उनकी जनसंख्या 50% परसेंट और रिड्यूस हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मैं समअप कर रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना गाइज ध्यान से देखो हमारे लिए ना सबसे बड़ी चीज बस ये है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तुम एक बार बोलोगे ना कि यार हमने यहां से पढ़ा था बस इतना ही चाहिए यार ठीक है तुम एक बार जब कमेंट बॉक्स के अंदर में थैंक यू लिख देते हो ना कि सर थैंक यू उसी में खुश हो जाते हैं हम ठीक है कि यार चलो ठीक है बच्चों को फायदा तो मिल रहा है लाभ तो मिल रहा है अब सुनो मेरी बात पहला क्या है पिछले दस साल में जनसंख्या नब्बे परसेंट से ज्यादा घटी हो पहली बात दूसरा क्या है कि उसके पचास ही सदस्य बच्चे हो ठीक है ये क्राइटेरिया हो सकता है तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि भैया अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो आगे आने वाले दस साल के अंदर में उनकी जनसंख्या जो है वाइल्ड के अंदर और पचास क्या हो जाएगी रिड्यूस है ना क्वांटिटी शोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ शन इन वाइल्ड इन एटलीस्ट 50 परसेंट इन दियर टेन ईयर कि 50 परसेंट जो है जनसंख्या उनकी और कम हो जाएगी 10 साल के अंदर आगे आने वाले 10 साल के अंदर जो जंगल में वो जीव रह रहा है अगर ऐसे ही छोड़ दिया तुमने तो अगले 10 साल के अंदर उसकी जनसंख्या 50% परसेंट जंगल में और कम हो जाएगी अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया हमें दिख रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे एंडेंजर्ड घोषित कर देंगे टाइगर वाला जो था अपना उसमें हमने ये तीसरा क्राइटेरिया देखा था और पहला क्राइटेरिया देखा था ठीक है आस्था ये क्राइटेरिया है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड का यहीं से पहला क्राइटेरिया हमने स्टार्ट किया है इससे पहले कोई क्राइटेरिया था ही नहीं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब सिंपल है इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं था इसमें भी कुछ नहीं था है ना तो ये कुछ नहीं था इसमें आप सीधे आते हैं हम दोस्तों एंडेंजर्ड के ऊपर है ना इसलिए मैं बोलता हूं मिस मत किया करो यार ठीक है टाइम पे आ जाओ अगली चीज क्या है दोस्तों ये खत्म होने के बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज खत्म होने के बाद ना विल मूव टू द एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड में क्या है ठीक है मतलब खतरा है लेकिन इतना खतरा नहीं जैसे जाइंट पांडा है ये ठीक है ये इसका साइंटिफिक नाम है जिनसे मुझे बहुत एलर्जी है भाई साइंटिफिक नाम से मुझे बड़ी एलर्जी है तो ये जो जाइंट पांडा है ना ज्यादातर बेम्बूज जो होते हैं ना जो आपका बैंबूस को क्या बोलते हैं बांस बांस के पेड़ खाता है ज्यादातर ठीक है तो ये जाइंट पांडा जो है दोस्तों ये भी एंडेंजर्ड है है ना ये भी क्या है दोस्तों एंडेंजर्ड है ठीक है ये एंडेंजर्ड कब बोलेंगे इसको हम देखो इसकी भी हमारे पास कैटेगरीज है है ठीक पिछले, पिछले में कितना था ढाई सौ पचास इसमें कितना है ढाई सौ में पॉपुलेशन में सिर्फ मेच्योर इंडिविजुअल कितने बचे हो ढाई सौ टू फिफ्टी तीसरा क्या है दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस शो कर रहा है कि अगले अगर 20 साल में तुमने इनको नहीं संभाला ठीक है तो इनकी पॉपुलेशन अगले 20 साल में कितनी परसेंट घट जाएगी 20 परसेंट और कम हो जाएगी उसके अंदर क्या था बताओ उसके अंदर था सर कि अगले 10 साल के अंदर अगर तुमने नहीं संभाला इसको तो इनकी पॉपुलेशन कितनी परसेंट घट जाएगी पचास तो ऐसे कंपेरेटिव एनालिसिस करके आप याद कर सकते हो ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खतरे में है ठीक है ये खतरा इनको सबसे ज्यादा है दूसरे नंबर पर आप एक बात बताओ यार जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ठीक है जैसे ये ऊपर वाली कैटेगरी इसमें तुम कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो गए यार धरती से ठीक है कुछ नहीं कर सकते एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो जंगल में लुप्त हो चुके हैं इसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत देर से हो ठीक है अब तुम कितनी कैप्टिव ब्रीडिंग करा लो कुछ भी करा लो ये इनको दोबारा से वाइल्ड के अंदर रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है सो में से एक केस ऐसा होगा कि कोई ऐसा है कि जो जंगल में लुप्त हो गया है या होने वाला है और फिर तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो जंगल में दोबारा आ गया ठीक है बाहर दोबारा आ गई बहुत बहुत मिनिमल चांस है ये जो चीज है ना यार ये जो तीन कैटेगरीज है ना इनके लिए अभी आप कुछ कर दो ना तो बात बन सकती है ठीक है तो इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं पर होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड और वल्नरेबल इसीलिए क्राइटेरिया भी इन तीनों की बात करते हैं हम क्योंकि इनमें हम बहुत लेट हो चुके हैं इनका अभी समय है और इनमें मतलब अगर नहीं किया तो ये लुप्त हो जाएंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए तो एक्सटिंक्ट का तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई गया तो गया ठीक है वी कैन नॉट डू एनीथिंग बट बिकॉज ये तो गायब हो चुका है भाई कहां से लाएं अब इसको लेकिन ये जो है ठीक है हम लगे पड़े हैं लेकिन बस ठीक है इनको एक दो शो के लिए हम रख पाएंगे क्योंकि भाई बहुत लेट हो गए हम तीसरा इस पर आते हैं दोस्तों तो हमने इसके लिए कदम उठा दिए हैं ठीक है तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो अब टाइगर की जनसंख्या जो है भारत के अंदर लगातार बढ़ रही है और जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनके अंदर में भी इसकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या कर रही है बढ़ रही है जाइंट पांडा की अगर मैं बात करूं या एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एक कदम नीचे है ना इसका क्राइटेरिया है कि भाई पिछले दस साल के अंदर इनकी पॉपुलेशन सत्तर परसेंट से ज्यादा डिक्रीज हुई है एक ये या ये ढाई सौ इंडिविजुअल बच्चे याद रखना इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है भाई जरूरी नहीं है ये क्राइटेरिया हो ये हो गया हो क्या पता ये हो गया हो तो तीनों में से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हम उसको क्या कह देंगे दोस्तों एंडेंजर्ड सो एंडेंजर्ड के अंदर में क्या है दोस्तों पहला है पॉपुलेशन पिछले दस साल में सत्तर परसेंट डिक्रीज हो गई हो दूसरा केवल उसके ढाई सौ मेचोर इंडिविजुअल बच्चे हो तीसरा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले बीस साल में हमें पक्का पता है कि इनकी इनके जो स्पीसीज हैं वो बीस और घट जाएंगे वो भी कहां से जंगल में तो ये दूसरे नंबर पर सबसे खतरनाक जो है मतलब खतरे में है लुप्त होने के खतरे में है और उनका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया तुम्हें यहां पर जिसका नाम क्या है दोस्तों जायंट पांडा ठीक है अब चलते हैं तीसरे मुद्दे के ऊपर में ठीक है अब चलते हैं किस पे तीसरे मुद्दे के ऊपर में सर ठीक है तीसरे पे चलते हैं दोस्तों ठीक है अब आता है दोस्तों वल्नरेबल अब देखो इसके बाद अपने को कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वल्नरेबल की बात कर रहे हैं तो वल्नरेबल जो है दोस्तों उसके लिए क्राइटेरिया हमने क्या रखा है इसने कहा है कि पिछले दस साल में जनसंख्या कितनी घटनी चाहिए पचास परसेंट अब ध्यान दो तुमने पॉपुलेशन रिडक्शन का हिसाब से तुम बता सकते हो अगर हम रिडक्शन का क्राइटेरिया सेट करें तो रिडक्शन का क्राइटेरिया कैसे सेट हो रहा है बताओ देखो सबसे पहले वाले में क्या था 10% 10 साल में कितना परसेंट 90% फिर दूसरे वाले में कितना आया 10 साल में 70% और या वलनरेबल वाले में कितना आ रहा है 10 साल में 50% खत्म हो गया पहली चीज खत्म ठीक है

तीसरा ये बता रहा है दोस्तों एनालिसिस एनालिसिस तो analysis जब हमने किया था तो क्या बताया था, पहले में बताया था कि अगले 10 साल में, इनकी संख्या 50 में कम हो जाएगी जंगल में दूसरे में इनकी संख्या 20 परसेंट रिड्यूस हो जाएगी कहां पर वाइल्ड के अंदर तीसरे में क्या कह रहा है अगर तुमने नहीं संभाला ठीक है तो अगले सौ साल के अंदर इनकी जनसंख्या ठीक है हंड्रेड इनकी जनसंख्या कितनी डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों आपका डिक्रीज हो जाएगी आप मेरी बात समझे सो so, ये एक प्रोसेस है दोस्तों ठीक है ये एक चीज है जहां पर आप देख सकते हो सो तो वलरेबल के अंदर में ये क्राइटेरिया है तो so, तीनों क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता दिए एंड दिस इज द ओनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है ना प्यारे बच्चों वो यही बनता है आप मेरी बात समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करो फटाफट से ठीक है समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से ओके की रिपोर्ट करेंगे ठीक है और नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से भाई है ना फर्ज बनता है अपना भाई है ना तो बताओ फटाफट से ठीक है चलिए चलिए तीन क्र, क्राइटेरिया थे सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारे कवर हो गए ठीक है तीनों के तीनों क्राइटेरिया हमने कवर कर लिए ओके मज़ा आ रहा है समझ आ रहा है ना दोस्तों हाँ भाई अरे दोस्तों मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में समझ आ रहा है अच्छे से एक बढ़िया माहौल बन रहा है तैयारी का चलो 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 एक बार गाइज एक बार रिक्वेस्ट हो रहा है जिन्होंने लाइक कर दिया यार तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद जिन्होंने लाइक नहीं किया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस प्लीज़ एक बार वो लाइक का बटन दबा दो तो बड़ा अच्छा लगेगा यार ठीक है एक बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लाइक का बटन जो है अभी दबा देंगे ना तो बढ़िया लगेगा ठीक है आगे बढ़ जाऊं मैं चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वलनरेबल के बाद आता है दोस्तों नियर थ्रेटेंड नियर थ्रेटन मतलब इनको भी खतरा है ठीक है ये भी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं ये आपकी कौन सी कैटेगरी है दोस्तों जो तीन मेन कैटेगरी थी जैसे दो तो लुप्त ही हो चुके थे यहां पर ध्यान दो ये दिमाग में बस जाना चाहिए इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई ये तीन हमने पढ़ लिए तो अब अगर हम बात करें तो ऊपर से हम छठी कैटेगरी पे आ गए नियर थ्रेटेंड नियर मतलब खतरा इनको भी अभी नहीं तो भविष्य में आ जाएगा अगर अभी तुमने नहीं संभाला तो भविष्य में दो सौ साल के अंदर ये भी लुप्त हो जाएंगे है ना अब दो तो तो। तो सौ इसको बोल रहे हैं नियर नियर थ्रेटेंड के अंदर में क्या होता है दोस्तों ठीक है इट हैज बीन इवेलुएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया बट डज नॉट क्वालिफाई फॉर द क्रिटिकल एंडेंजर्ड आप ये बात मान के चलो ठीक है कि वो जीव जो ना वलरेबल है ना एंडेंजर्ड है और ना ही क्या है दोस्तों आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये तीन क्राइटेरिया जिसमें मैच नहीं हो रहे ठीक है जो तीन क्राइटेरिया में से इसमें किसी से में भी फिट नहीं हो रहा उसको हम क्या बोल देंगे उसको हम बोल देंगे कि भाई नियर थ्रेटेंड है ठीक है लेकिन बट इज ऑल्सो क्वालिफाई फॉर लाइकली टू क्वालिफाई फॉर थ्रेटेंड कैटेगरीज मतलब अभी खतरा नहीं है ठीक है लेकिन बहुत जल्दी अगर तुमने नहीं देखा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा ठीक है आप मेरी बात समझ लो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है बस हम एक आशंका जता रहे हैं कि अभी कर लो इसके लिए समय है अगर अभी नहीं किया तो भविष्य में फिर तुम्हारे पास कुछ करने को बचेगा नहीं ये थ्रेटेंड में आ जाएंगे है ना तो बस ये सिर्फ इस बात की क्या कर रहा है दोस्तों इंडिकेशन दे रहा है यहां पर कोई भी क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है बीजेपी भाई प्रीति राजपूत कांग्रेचुलेशन आपको ठीक है आप इतना जोर लगा रही थी बीजेपी के लिए तो आ गई है बीजेपी ठीक है जिन्होंने वोट दिया था बीजेपी के पक्ष में तो बीजेपी जीत गई ठीक है अच्छी बात है भाई है ना ये बीजेपी का जो है जीत नहीं है ये डेमोक्रेसी की जीत है ठीक है ये आपकी जीत है जिस लोगों जिनको आपने चाहा वो लोग जो है जीत गए हैं उन्होंने सरकार बना ली है ओके ठीक है ऐना खान क्या कह रही हैं सर प्लीज आप हमें कोर्स के बारे में बता दो हमने हमें अगर अनकेडमी के ओनली सिलेबस परचेज करना चाहें तो हो जाएगा सब्सक्रिप्शन लिए प्लीज टेल मी देखो ऐना खान सिर्फ मेरा आप ये कह रहे हैं ना मेरा देखो ये सिर्फ मेरा नहीं खरीद सकते आप या कोई एक सब्जेक्ट नहीं खरीद सकते सब्सक्रिप्शन दो तरह तीन प्रकार के होते हैं या तो जीएस का या ऑप्शनल का या कॉम्बो ठीक है जीएस का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो सिर्फ जीएस मिलेगी उसमें ऑप्शनल में और सिर्फ ऑप्शनल लेकिन जब आप आपकेडमी का सब्सक्रिप्शन मिलता लेते हो तो आपके पास पूरे अनकेडमी प्लेटफॉर्म पे उस पर कुछ भी हो रहा हो कोई भी पढ़ा रहा हो कोई भी टेस्ट चल रहा हो कोई भी कंपटीशन चल रहा सब आप एक्सेस कर सकते हो ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि उस कैटेगरी का आप सब चीज देखो क्या होता है ना कई बार जैसे मान के चल दो तो, अभी तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन हो सकता है कोई दूसरा सब्जेक्ट हो आपको मान के चलते हैं साइंस समझ में नहीं आ रहा हो जो टीचर है मान के चलो उनसे समझ नहीं आ रहा तो उस केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो इसीलिए ना मेरे हिसाब से एनअकेडमी इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म ठीक है जिसके अंदर आपके वैल्यू जो है वो देखो आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना आपको एक टीचर एक एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर मिलेगा समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आ रहा तो भी बहुत अच्छी बात है ठीक है पढ़ लो उसी से पढ़ना है तो नहीं तो तुम्हारी फीस खराब है लेकिन यहां नहीं है यहाँ एक सब्जेक्ट के जीएस के लिए कम से कम पांच अलग अलग टीचर हैं तो पांच में से किसी का तो समझ में आएगा ये यहाँ की सबसे बड़ी एडवांटेज है और ये अभी जो गुरुकुल है अपना ठीक है जो हमने 3.0 लॉन्च किया है इसको हम प्लस पे भी लेके आएंगे एज इट इज ठीक है मे बी होपफुली मार्च के लास्ट में हम इसको अपने प्लस गुरुकुल्लेटफॉर्म पे जो हमारे प्लस के छात्र हैं उनके लिए हम इसको लॉन्च कर देंगे इन द लास्ट ऑफ दी मार्च मार्च के अंत में तो अगर आप लोगों को जुड़ना होगा वहां पे तो जुड़ जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे कोड से जुड़ जाना पूरे गाइड करूंगा आपको पूरी प्रोसेस में सब चीज समझाऊंगा एवरीथिंग विल बी देयर तो लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है भाई ठीक है बहुत है अभी तो बहुत ज्यादा है अभी तो ये बहुत पड़े हैं ठीक है लेकिन जब होगा कम होगी इनकी संख्या तब देखेंगे तो इस श्रेणी का व्यापक जो है वजूद होना ये बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं तो अपन को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत अभी होती नहीं है तो लीस्ट कंसर्न का मतलब लीस्ट कंसर्न तो चिंता करो मत तो तुम भी इसके बारे में चिंता मत करो तुमसे यूपीएससी इसके बारे में कतई नहीं पूछेगा ठीक है तुम्हें यूपीएससी इसके बारे में कतई नहीं पूछेगा अच्छा सुनो भाई मेरी बात सुनो जो बच्चे यार मेरी और मेरी टीम से मिलना चाहते हैं ठीक है मेरी और मेरी टीम से मिलना चाहते हैं तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ उनके लिए हम कुछ जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ठीक है एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा कब क्या है तो मुखर्जी नगर के अंदर में शायद हम मिल सकते हैं और आपके लिए और भी कुछ सरप्राइज है उस दिन ठीक है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमसे मिलने आओ ठीक है सिर्फ मिलने आना मतलब हम कोई ऐसे फिल्म स्टार तो है नहीं भाई तो हमसे मिलने आओ लेकिन हाँ अगर आप लोग कोई आता है तो उसको बहुत फायदे होने वाले हैं ठीक है तो वो मैं आपको जल्दी अनाउंस करूंगा ठीक है मे बी आज शाम तक या कल मैं आपको अनाउंस कर दूंगा अगर आप लोग आते हैं ठीक है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे जैसे आपको किताबें फ्री मिल जाएंगी ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ ठीक है और किसी सेलिब्रिटी से भी मिलवाएंगे आपको ठीक है जिसको आपने टीवी में देखा हो जिसको आपने फिल्मों में देखा हो तो हो सकता है उनसे भी आपकी मुलाकात हो तो अभी जल्दी आपको बताएंगे अभी चीज़ें फिक्स नहीं है फाइनल नहीं है बट इसी हफ्ते के अंदर हम करने वाले हैं तो आप में से कोई भी बच्चे हैं जो अगर मेरी मेरी टीम से ठीक है हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग जो है मैं बता दूंगा आपको ठीक है तो उसके हिसाब से आप लोग आ सकते हैं ठीक है अभी मैं बता दूंगा अभी चीजें फाइनल नहीं है तो आप रुक जाइएगा थोड़ा सा है ना अरे अरे इतना ऊपर मत जाओ यार ठीक है देखते हैं कौन आता है ठीक है लेट सी कौन आता है किसको बुला पाते हैं हम ठीक है जितनी हमारी औकात होगी उनको बुला पाते हैं हम ठीक है नहीं नहीं अब जो दूर है वो मत आओ यार दूर वाले तो रोज हम ऑनलाइन मिलते हैं ना जो पास है जो आ सकते हैं वो आ जाना अच्छा लीस्ट कंसर्न के बाद हम बात करते हैं दोस्तों डेटा डेफिशिएंट डेटा डेफिशिएंट का मतलब क्या है सीधी बातें इनके बारे में डेटा ही नहीं हमारे पास ठीक है तो अटैक्सोन कोई भी ऐसा स्पीसीज है जिनके बारे में हमें ही नहीं है भाई, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में ठीक है तो डेटा डेफिशियंट अब एग्जाम में ये भी नहीं पूछेगा डेटा डेफिशियंट क्या होता है जब डेटा ही नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो भाई ठीक है और लास्ट जो है वो नॉट है इवेल्युएटेड इसके अंदर में वो प्रजाति आती है जिनको आज तक हमने इवेल्युएट किया ही नहीं है हमने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है हमने उनके बारे में देखा ही नहीं है तो पूरा रेड डेटा बुक जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ये तीन तीन कैटेगरी कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज और इनके क्राइटेरिया जहां से आपके लिए सवाल जो है बनेगा कल मैं आपको कुछ इसी प्रकार की प्रजातियों के बारे में बताऊंगा कि क्योंकि यूपीएससी जो है ना इन प्रजातियों के बारे में क्या कर लेता है आपसे दोस्तों पूछ लेता है उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी सारी बात आज की समझ में आई होंगी हा 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 मिनी सर आप हमारे अरे अरे मैं भाई मैं सुनो मेरी बात आपकी आपकी जो आप जो इज्जत देते हो ना जो प्यार देते हो वो मुझे भी पता है ठीक है और उसका पूरा सम्मान है और यकीन मानो सम्मान को लेके ही सारे दिन हम लगे रहते हैं लेकिन हम इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है ना भाई अभी ठीक है कि हमसे मिलने के लिए तुम अपने घर से आओ इतना करने की जरूरत नहीं है ठीक है हम बहुत जल्दी ऐसा मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि हम आप लोगों के शहर जो हैं बड़े बड़े शहर जैसे राजस्थान में गुड़गा इसमें जयपुर में आ गए बिहार में पटना में आ गए ठीक है वेस्ट बंगाल के अंदर में भी आ जाए हम तो हम वो भी प्लान कर रहे हैं ठीक है तो बहुत जल्दी शायद वो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है तो वो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे पूरी टीम के साथ में हम वहाँ पे आपके बीच में आएंगे ठीक है अभी नहीं लेकिन हाँ बहुत जल्दी हम ये चीज़ करेंगे सो आपको आने की जरूरत नहीं है बट जो आ सकता है ठीक है जो आसपास रहता है दिल्ली के ठीक है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वो आ सकते हैं और आपको आने पे फायदा होगा ऐसा नहीं है कि आप आए हो तो ऐसे ही खाम खा आपको फ़ायदा मिल जाएगा डेटा so, डेफिशियंट का हमने पढ़ लिया दोस्तों नॉट इवेल्युएटेड का हमने पढ़ लिया अभी कुछ एडवांटेज है यार ठीक है एडवांटेज क्या आप बताओ मुझे एडवांटेज क्या है अगर हम ऐसा किताब बना रहे हैं रिकॉर्ड बना रहे हैं तो एडवांटेज क्या है अरे पता रहेगा हमें क्या चल रहा है दोस्तों किसी के बारे में अब जैसे सोच के देखो अगर टाइगर की जनसंख्या ही हमें ना पता होती तो हम कहां से उसको बचाने का प्रयास करते तो हमारे इको के बारे में पता चल जाता है ठीक है इसका डिसएडवांटेज जो है वो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों कि इसके अंदर में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना इसके अंदर वो इनकंप्लीट है पहली बात तो दूसरा बहुत सारी स्पीसीज जो है ना दोस्तों उनका इस डेटा बुक के अंदर में है ही नहीं वो खतरे में है मैंने आपको क्या बोला केवल उनतीस परसेंट स्पीसीज जो है ना उन्हीं के बारे में इसमें लिखा हुआ है द द सोर्स ऑफ बुक डेटा इज हैज बीन बीन स्पेकुलेटेड एंड इन अब दूसरी बात ये भी आती है कि इस किताब के अंदर में यार ये क्या पूरी दुनिया के जंगलों में घूम घूम के फिर देखते हैं क्या जो इसमें डेटा है वो डेटा के ऊपर भी कंट्रोवर्सी है कि ये डेटा इसके अंदर में वास्तविकता में सही है भी या नहीं है तो ये सारी चीजें हैं जिसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों गाइस एक बार फिर से रिक्वेस्ट है देखो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं यार आप बड़े लोग हो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ मेरी पूरी टीम की तरफ से मेरे से एक रिक्वेस्ट है यार वीडियो पे एक छोटा सा प्यारा सा अगर कमेंट आपका हो जाता है जो अभी देखेंगे वो भी और जो बाद में देखेंगे वो भी इसको देखने के बाद एक ही मिनट लगेगा आप एक कॉमेंट कर देंगे ना तो हमें पूरा मोटिवेशन मिलेगा और अभी के लिए नहीं आगे तक का मोटिवेशन मिलेगा सो गाइज प्लीज आपके जो कमेंट्स है ना वो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो प्लीज गाइज प्लीज कमेंट यहां पे जरूर कीजिएगा कल एक नए एजुकेटर से आपको मैं मिलाऊंगा नए टीचर से अपने चैनल पे मिलवाऊंगा और साथ ही साथ में दोस्तों आपके लिए एक नया करंट अफेयर वाला प्रोग्राम जो है वो भी हम बना रहे हैं वो भी बहुत जल्दी मैं आपके बीच में लेके आऊंगा सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा समझ आया होगा मेरे बाद प्रमोद सर आपके साथ में जुड़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक कॉमेंट जरूर करें जब बात हम करते हैं दोस्तों अकेडमी के सब्सक्रिप्शन की तो सबसे बेस्ट ये होता है इसमें कॉम्बो होता है कॉम्बो के मतलब क्या है दोस्तों इसमें जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों होते हैं और जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों होने का फायदा क्या होता है कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन में दोनों परचेज कर सकते हैं अठारह महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन है अठारह महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है एटीन मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ये तिरसठ का मिल रहा है अठारह महीने का जिसके अंदर सत्ताईस का डिस्काउंट आपको मिल रहा है अठारह महीने का आइकॉनिक जिसमें पर्सनल गाइडेंस भी होती है ये छिहत्तर हजार रुपए का मिल रहा है छत्तीस हजार रुपए का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है ठीक है टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हो सिर्फ ठीक है अलग से टेस्ट सीरीज अगर किसी को परचेज करनी हो तो या आप जो है जीएस के कोर्स अलग से भी परचेज कर सकते हो जैसे ये सिर्फ जीएस का है जीएस प्लस ये जीएस आइकॉनिक आइकॉनिक मतलब जिसमें गाइडेंस है ठीक है तो ये इसकी फीस है आप देखोगे ठीक है ये इसकी फीस है आप मेरा कोड लगाओगे मेरा है 10. याद रखना दोस्तों है लेकिन आपने मेरा कोड लगाया आपको टेन क्या मिल गया डिस्काउंट तो कोड याद रखना मेरा कोड क्या है सुमित टेन दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन हम देते हैं प्लस और आइकॉनिक आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस होता है प्लस में नहीं ठीक है तो जो भी बच्चा कर सकता है देखो ऑबीएस बात है मैं कहूंगा दिस इज द बेस्ट ऑफर ठीक है आप जाइए यहां पर और कोड सबसे विशेष बात है कोड कोड का ध्यान रखना दोस्तों जब भी आप किसी अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं तो पहले साफ बोल दीजिए कि मैं गुरुकुल का छात्र हूं मुझे सुमित सर का कोड यूज करना है ठीक है अगर वो आपको मना करते हैं तो दोस्तों आप फोन रख सकते हैं हो सकता है वो कॉल जो है वो फ्रॉड भी हो सकती है ठीक है क्योंकि अगर वो मुझे नहीं जानते सुमित टेन कोड नहीं जानते तो इसका मतलब वो कॉल फ्रॉड भी हो सकती है तो प्लीज इस बातों का ध्यान रखें और इन चीजों से बचें सुमित टेन कोड ही आप क्या करें इस्तेमाल करें ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन दोस्तों थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय जय हिंद